सर, इस वीडियो में बेसिकली तीन टाइप के स्टूडेंट्स को कवर करूंगा। पहला, जिन्होंने जनवरी वाला अटेम्प्ट काफी अच्छे से दिया था, जैसे जिनके 97, 98 या 99 परसेंटाइल आए थे, और उन्होंने इस लॉकडाउन में जितने भी बचे चैप्टर्स थे उसमें काफी अच्छे से पढ़ाई करी, उनको अच्छे से प्रिपेयर करा। दूसरा टाइप के, जिनका जनवरी अटेम्प्ट में लगभग कुछ 94-95 परसेंटाइल आया था, लेकिन तब भी उन्होंने काफी मेहनत करके कोशिश करी कि जितने उनके लेफ्ट आउट चैप्टर्स थे वो काफी अच्छे से तैयार हो पाए, चाहे उनके पूरे ना हो दिक्कत नहीं है। तीसरे टाइप के स्टूडेंट्स, जिनका जनवरी वाला अटेम्प्ट इतना अच्छा नहीं गया था, मतलब जिनके 90 से कम आए थे, या फिर जो क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, और जिन्होंने इस लॉकडाउन को इतना फ्रूटफुली यूज नहीं कर पाया, मतलब उन्होंने इतना नहीं पढ़ा, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि क्या पता तुम लोग के लिए काम कर जाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी तो काम करेगी, क्योंकि मेरे लिए जितनी भी स्ट्रैटेजी तो मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल करी, मुझे काम करी, और डेफिनेटली मेरे जितने भी छोटे भाई जो इस बार जेई दे रहे हैं, जो दो तीन भाई हैं कजन, उनको काम करी। तो यार वीडियो को एंड तक देखना, और इस वीडियो का अपन टारगेट रखते हैं यार 200 लाइक्स कर देते हैं। 200 लाइक ज्यादा नहीं है, लेकिन बस लाइक्स इसलिए क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुंचे, ताकि उनको भी ये बेनिफिट हो सके। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। या जितनी भी नोट्स की लिंक है ना, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना मत भूलना। मैंने सारी प्लेलिस्ट की लिंक्स नीचे दे रखी हैं, और जो अपन के नोट्स होंगे ना, नोट्स वो हमेशा आखिरी पार्ट में होंगे वीडियो के। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी चैप्टर को कवर करा है तीन पार्ट में, फॉर एग्जाम्पल, तो जो नोट्स होंगे वो तीसरे पार्ट में देखना, लेकिन तीसरे पार्ट में तुम लोग को मिल जाएंगे उसकी लिंक, गूगल ड्राइव की लिंक है, तुम लोग को कुछ भी उल्टा सीधा फिल नहीं करना पड़ेगा, सीधा क्लिक करना, लिंक खुलेगी गूगल ड्राइव की, डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, और मैं सजेस्ट करूंगा अगर हो सके तो उसका प्रिंट आउट ही निकलवा लेना। उससे फायदा क्या होगा कि अगर अपने हाथ में नोट्स होते हैं तो अपन ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, रादर देन अपन फोन पे उसको देख के पढ़ रहे, क्योंकि ज्यादातर ऐसा ही होता है कि भाई अपन फोन से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो कोशिश करना कि उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ लो। और बस एक रिक्वेस्ट तुम लोग से रहेगी कि अगर तुम लोग को नोट्स अच्छे लगे हो तो कोशिश करना कि यार उस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दो कि अगर तुम्हें अच्छे लगे, या फिर अगर अच्छे नहीं भी लगे तो मैं उसमें क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा कि भाई हाँ जो नोट्स हैं वो ऑथेंटिक हैं, वो काम आते हैं। ठीक है, तो कमेंट कर देना, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, और तुम लोग का भी इसमें ऐसा कुछ जा नहीं रहा है। बस कोशिश यही करना कि भाई उन नोट्स को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लो, मैं गारंटी करता हूँ क्वेश्चंस बन जाएंगे उस चैप्टर से सारे। तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा होगा कि जो अपन के नोट्स हैं वो आधे आधे एक एक पेज में मैंने पूरा का पूरा चैप्टर निपटा रखा है, और इस नोट्स के बाद तुम लोग यार पूरी की पूरी एनसीईआरटी स्किप कर सकते हो, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि यार जेई के पहले सेम टू सेम मैं जब एक हफ्ते बचा हुआ था मेरा, मैंने तो भाई इन्हीं नोट्स को पढ़ा था, पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया था, एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत नहीं बची थी, और इससे ही पेपर उठ के आया था। ठीक है, तो तुम लोग इसको भी कर सकते हो, इसको मतलब मैं तो प्रेफर करूंगा करो, ताकि 10-10-15-15 मिनट में तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। और कोशिश करना कि वीडियो को भी देखो, क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें मैंने कुछ कुछ ऐसे शॉर्ट नेम्स इंक्लूड कर रखे हैं जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो में दिया। वीडियो ज्यादा लंबे नहीं है, कोई एक एक घंटे के नहीं है, मुश्किल से 10-10-15-15 मिनट के वीडियो है जिसमें मैंने पूरा का पूरा चैप्टर इंक्लूड कर रखा है। हाँ, कुछ चैप्टर जैसे सर्कल हो गया, अब सर्कल को जरूर मुझे 5 वीडियो में समराइज करना पड़ा, क्योंकि तुम लोगों को पता ही है सर्कल बहुत बड़ा चैप्टर होता है, मतलब कोचिंग में तो वो शायद 1 या 2 महीने तक चलता है, तो उसके लिए, लेकिन वो इतना डिटेल्ड है कि तुम्हें एक क्वेश्चन भी तुमसे ऐसा नहीं है कि नहीं बनने वाला, हर क्वेश्चन तोड़ के आ जाओगे। बात समझ में आ गई, आई जाता है। ठीक है, लेकिन अपन को उस रिग्रेट को मन में नहीं रखना है कि यार मैं काश पढ़ लेता तो काफी कुछ हो सकता था। अब जो है वो है, अपन का 2 हफ्ते बाद अपन का जेई है, तो वो है, तो बिना रिग्रेट के जो मैं बोल रहा हूं उसको करो, शायद तुम्हारे परसेंटाइल इंप्रूव हो जाए। या मैंने तीनों सब्जेक्ट के ऊपर जो अपन के होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं हर चैप्टर से, उसके ऊपर मैंने यार वीडियोस बना रखी हैं, उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको चेकआउट करना मत भूलना, क्योंकि तुम लोग को एक आइडिया भी तो होना चाहिए ना कि अच्छा इस वाले चैप्टर से लगभग हर साल इतना क्वेश्चन आ रहा है, तो इस साल भी भैया इतना क्वेश्चन तो आ ही सकता है। ठीक है, तो वो काफी एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन को पता है कि यार इनडेफिनेट इंटीग्रल से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब अब इतने नहीं आते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल से ज्यादातर आते हैं, क्योंकि यार इनडेफिनेट तो क्या भैया लोग अपन का डिफरेंशिएशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तुम लोग को भी पता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में अपन को असलियत में लगाना पड़ता है दिमाग को, सॉल्व करना पड़ता है, तो उससे जनरली एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही हर चैप्टर का मैंने बता रखा है उन वीडियोज में, तीनों की सेपरेट वीडियो बनाई है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों काफी डिटेल्ड है, उनको चेकआउट करना मत भूलना। साथ ही साथ मैंने यार ये भी बता रखा है कि यार कौन सा चैप्टर कितने टाइम में प्रिपेयर किया जा सकता है, क्योंकि यार अभी इतने कम टाइम में अपन को वो वाले चैप्टर ज्यादा प्रिपेयर करने हैं जिससे अपन को मार्क्स ज्यादा मिल सके, मतलब उतने ही मार्क्स मिल सके कम इनपुट में, क्योंकि देखो
पेपर में अपन को कोई नहीं देखने वाला कि यार तू रोटेशन का क्वेश्चन सॉल्व करके आया या नहीं। चाहे तुम रोटेशन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी तुम्हें उतने मार्क्स मिलेंगे, चाहे तुम यूनिट डायमेंशन एरर का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी उतने मार्क्स मिलेंगे। तो अपन को उन चैप्टर्स पर भी ज्यादा फोकस रखना चाहिए जिसमें कम इनपुट पे अपन को ज्यादा आउटपुट मिल रहा हो। सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी, और जैसा कि अपन को पता है कि जेई अपन का मुश्किल से अब शायद 10 या 12 दिन अपन का दूर बचा है जेई, क्योंकि क्या 1 से 6 तारीख के बीच अपना जेई है और मैक्स टू मार्क्स अपन के पास 10-12 दिन ही बचे हुए। तो इन 10-12 दिन में अपन ऐसा क्या कर सकते हैं जिसमें अपन का स्कोर जो है वो इंप्रूव हो, चाहे ज्यादा ना हो लेकिन कुछ तो इंप्रूव हो, जो अपन का परसेंटाइल है वो इंप्रूव हो, तो उसके लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यार उन कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, उन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जिनका जनवरी वाला अटेम्प्ट अच्छा गया था, मतलब 97% के ऊपर आए थे, और जिन्होंने उस लॉकडाउन में काफी ज्यादा चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करी। तो देखो तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को अभी केवल और केवल जितने बचे हुए दिन है उसमें प्रीवियस ईयर करने, और प्रीवियस ईयर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम ज्यादा पुराने वाले करो, कोशिश करो कि जो पिछले साल ही अपन का हुआ था, जैसे 2019 में अपन के काफी सारे पेपर्स हुए थे, तुम लोगों को जैसे पता है कि 2 शिफ्ट्स में पेपर हुआ था, और जो हर शिफ्ट है जैसे जनवरी वाला अटेम्प्ट, जनवरी वाले अटेम्प्ट के अंदर भी 8 शिफ्ट्स है, उस 8 शिफ्ट्स के भी अंदर एक सुबह और एक दोपहर, सुबह और शाम, मतलब अपन के 16 पेपर जनवरी के हो गए, 16 पेपर अपन के बाद वाले हो गए, तो कितने हो गए, थोड़े 32 पेपर हो गए। तो उन 32 में से ये तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है कि यार पूरे के पूरे अपन 32 सॉल्व कर लें, लेकिन कोशिश करो कि दिन में 2 पेपर तो एटलीस्ट दो, क्योंकि तुमने सारे चैप्टर्स कर रखे हैं, अब बार बार उनको पढ़ने का मतलब नहीं है, अपन वो केवल और केवल प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करने हैं, ताकि तुम लोग को समझ में आ पाए कि अच्छा भाई इस टाइप के चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्योंकि जेई में बताऊं क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और तो एक ही कंसेप्ट से बार बार आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चैप्टर कोई भी मान लो वेक्टर 3D हो गया, तो वेक्टर 3D से ऐसा रहता है कि जनरली एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं, सिमिलरली डिटरमिनेंट्स हो गया, मैट्राइसेस हो गया, एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे, तो तुम्हें इससे आइडिया लग जाता है कि अच्छा यार इस टाइप के चैप्टर से तो ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, और मैंने तो उसको इतनी अच्छे से कर रखा है, तो भाई अपन की तो तैयारी हो चुकी है, मतलब अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं उखाड़ लूंगा। बात समझ में आ गई, तो मिनिमम तुम लोग को 2 पेपर देने हैं, तो कितना 3-3 घंटे के 2 पेपर दोगे तो कितना हो गया 6 घंटे, और मान लो तुम्हारे 3 घंटे तुमने और लगा दिए एनालाइज करने में, तो 9-10 घंटे अगर ये इसमें भी जाएंगे तो दिक्कत की बात नहीं है। अब ये मत सोचो कि भैया 9-10 घंटे हम तो केवल पेपर सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे कब भाई, तुम लोग ने अब पढ़ लिया, अब तुम लोग को केवल अपनी जो नॉलेज है उसको अलाइन करना है अपन के स्पीड के साथ, कौन सा जेई के साथ अपन को करना है। मैं मानता हूं इस बार जो क्वेश्चन है वो कम हो गए, लेकिन तब भी अपन को प्रीवियस ईयर करने का मोटो केवल अपन को ये है कि ताकि अपन को पता चल पाए कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस किस चैप्टर से आते हैं। यार इन स्टूडेंट्स को मैं बेसिकली एक और एडवाइस देना चाहूंगा कि जैसे तुम लोग के जो चैप्टर्स प्रिपेयर हो गए, अगर तुम लोग को उनको रिवाइज भी करना हो, तो मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के नोट्स डाल रखे जो मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं, उनको पता भी है यार जो मेरे नोट्स हैं वो काम आए हैं, वो नोट्स केवल और केवल जेई मेंस के लिए स्पेसिफिक हैं, और वो काफी शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब आधे आधे एक एक पन्ने में पूरा चैप्टर मैंने निपटा रखा है, तो डेफिनेटली तुम लोग उसको यूज कर सकते हो अपने रिवाइज करने में। अब अपन चलते हैं बेसिकली सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनका 94-95% आया था जनवरी अटेम्प्ट में, और जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी कर लिया अपन के इस लॉकडाउन में। तो देखो तुम लोगों को क्या करना है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई तुम लोग के बहुत सारे चैप्टर्स बचे होंगे, उन चैप्टर्स को छोड़ दो, अब उनको उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम लोग उठाओगे तो जो तुमने पिछले वाले तैयार कर रखे हैं वो भी भूल जाओगे, मतलब नहीं है कुछ भी नए चैप्टर उठाने का। तुम लोग क्या करो, जितने चैप्टर तैयार कर रखे हैं उसको अच्छे से पहले पढ़ लो, वैसे पढ़ने का ज्यादा टाइम बचा नहीं है, इसलिए मैंने वापस बोला कि जो शॉर्ट नोट्स मैंने डाल रखे हैं उसको देख लो, वो तुम लोग को मदद करेगी। ठीक है, शॉर्ट नोट्स देख लो और प्रीवियस ईयर दो। क्या करना है अपन को रोज एक प्रीवियस ईयर देना है, मतलब वही 2019 का ही पेपर, अलग अलग शिफ्ट्स का अपन को रोज एक एक पेपर देते जाना है 3-3 घंटे, टाइमर लगा के अपन को पेपर देना है, ताकि अपन को अपनी स्पीड भी पता चल सके। ठीक है, अब कोई नया चैप्टर नहीं उठाना है, जितने जो मैंने चैप्टर के नोट्स बनाए हैं उसको पढ़ो और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर करते जाओ। अब बेसिकली बात आती है अपन की तीसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनका 90% ही आया था, और जिन्होंने यार इस लॉकडाउन को इतना फ्रूटफुल नहीं बनाया, इतना ज्यादा नहीं पढ़ा। तो देखो तुम लोग क्या कर सकते हो, डेफिनेटली तुम लोग के बहुत सारे चैप्टर्स वीक होंगे, ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रखे होंगे, तो सबसे पहले कोई भी काम मत करो, सब काम छोड़ो, सबसे पहले जो मैंने वीडियोस बना रखी हैं उसको जाके देख लो। मैक्स टू मैक्स तुम्हें अगर तुम मैंने कम से कम जो 26 चैप्टर हैं उन 26 चैप्टर्स की वीडियो देखने में तुम्हें मुश्किल से मुश्किल 1 दिन लगेगा, तुम 1 दिन में पूरी वीडियोस देख सकते हो। तो क्या काम करना है तुम लोग को, उन वीडियोस को देखना है, उनके शॉर्ट नोट्स लेने हैं, और साथ ही साथ फिर अब प्रीवियस ईयर तुम लोग को कभी ना कभी, मतलब रोज एक मत करो लेकिन कोशिश करो कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन करो, ताकि तुम लोग को समझ में आ सके कि पैटर्न कैसा है। सो यार एट द एंड में बस केवल एक ये एडवाइस देना चाहूंगा, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, अपन को प्रीवियस ईयर सॉल्व करने शुरू कर देने हैं,
चाहे अभी तक अगर नहीं भी कर रहे हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी सॉल्व करने शुरू कर दो और टाइमर लगा के सॉल्व करो ताकि तुम लोग को अपनी स्पीड का भी पता चल सके भाई कितनी है। क्योंकि यार केवल नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है, अपन को वहां पे जाके लिख के भी आना है, मतलब वहां पे तुम्हारी कोई नॉलेज की टेस्टिंग नहीं करेगा, वहां पे तुम्हारी स्पीड की भी चेक करेगा कि भाई तुम कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सब कुछ आता है, अब तुम भाई क्वेश्चन ही तुम नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारी स्पीड कम थी, तो क्या मतलब नॉलेज का। ठीक है, तो अपन को टाइमर लगा के पेपर सॉल्व करने हैं और कोई भी नया चैप्टर नहीं उठाना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी नया चैप्टर नहीं उठाना है, सीधा टाइम बर्बाद होगा, तुम डीमोरलाइज होगे क्योंकि यार इतने कम टाइम में कोई भी अपन का नया चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है अनलेस वो कोई छोटा चैप्टर हो। फॉर एग्जाम्पल जो मैं बता चुका हूँ कि अपन ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो मैंने सारे यार समराइज करे उन वीडियोज में, जिसकी लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगी, मैंने शायद बना रखा उसका कुछ टाइटल ऐसे ही है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, ऐसा मैंने कुछ बना रखा है, वो देख लेना, उससे तुम लोगों को काफी हेल्प मिल जाएगा। अब देखना ना देखना ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी फायदा तुम लोग का ही होगा, इसमें तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं है इसकी मैं गारंटी कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली चेकआउट कर देना और आई गेस इसी के साथ अपन खत्म कर दें वीडियो को, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम लोग का ज्यादा और टाइम जाए, मैं चाहता हूं कि तुम लोग जल्दी से इस वीडियो को बंद करके नोट्स पे जाओ, सीधा डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकलवाओ, उसको पढ़ना शुरू कर दो। सो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। बस एक बात याद रखना कि यार जो मैंने नोट्स बनाए थे उन पे कमेंट भी जरूर कर देना, अगर कोई भी और डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे तो मैं अवेलेबल रहते ही हूँ, और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में तुम लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो आई गेस मैंने सारे कैटेगरी को कवर कर लिया होगा, सारे टाइप के स्टूडेंट्स को जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, जिनकी मीडियम है, जिनकी प्रिपरेशन है ही नहीं, सो आई गेस तुम लोग को ये काम आएंगी क्योंकि यार मुझे खुद काम आई थी ये। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।